नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनांस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम कुछ अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें हाउ टू स्टार्ट ए गोट फार्म बिजनेस। दोस्तों, हमारे देश में खेती 70% लोग करते हैं। खेती के साथ बहुत सारे लोगों का पोल्ट्री फार्म या गोट फार्म ऐसे कुछ स्टार्ट करने का दिल में रहता है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि कुछ जानकारी नहीं होती है या कुछ मनी प्रॉब्लम होती है। तो हम आज एटलीस्ट हाउ टू स्टार्ट गोट फार्म बिजनेस, गोट फार्म कैसे स्टार्ट करें, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, गोट फार्म के लिए कितना खर्चा आता है, गोट फार्म करने के बाद आपको कितना खर्चा आता है, उसका प्रॉफिट कितना मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे टाइप के गोट्स हैं, तो जैसे कि उस्मानाबादी है, जमुनापारी है, सोजत है, शिरोई है, आपके अफ्रीकन बोर है, बीटल है। सो बहुत अराउंड 20 टाइप्स के आपको गोट्स अवेलेबल है। उनमें से कौन सी गोट चूज करनी है कि आप कौन से टाइप की गोट चूज करनी है, कौन से टाइप की गोट आपके यहाँ पे सूटेबल है, आपके यहाँ पे एनवायरमेंट में सूट होगी, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उसमें से हमें 5 गोट जो मैंने चूज की है उसमें उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। पहली जो है उस्मानाबादी गोट। द उस्मानाबादी गोट इज रेस्ड फॉर बोथ मिल्क एंड मीट। उस्मानाबादी गोट का मीट के लिए और मिल्क के लिए यूज किया जाता है। उसका जो ब्रीडिंग है वो महाराष्ट्र से होता है, और ये जो ब्रीडिंग है उसमें मोस्टली गोट ब्रीड ट्वाइस अ ईयर एंड ट्विनिंग एंड ट्रिपलेट इज कॉमन। इसका मतलब है दोस्तों कि एक साल में 2 बार उसका ब्रीडिंग होता है, और उसके उसमें भी आपको ट्विन्स और ट्रिपलेट यानी 2 या 3 किड्स पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप उसका रेट देखते हो तो उस्मानाबादी गोट का जो मेल का रेट है अभी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो 260 रुपीज केजी टू 270 रुपीज केजी पर रुपीज पर केजी है, एंड फीमेल का रेट है अराउंड 300 रुपीज पर केजी। सिमिलर वे आप देख सकते हैं सिरोही जो गोट है वो भी मिल्क और मीट के लिए है, और जो एक्चुअली राजस्थान से बिलोंग करती है, उसका जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से है। और ब्रीडिंग जो है मोस्टली दिस गोट ब्रीड्स ट्वाइस अ ईयर, लेकिन इसके एज कम्पेयर टू दैट उस्मानाबादी गोट यहाँ पे ट्विन्स की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी कम रहती है, सिंगल 45%, ट्विन 55%, ऐसा थोड़ा एज कम्पेयर टू उस्मानाबादी थोड़ा कम रहता है। उसका भी कॉस्टिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस गोट का मेल गोट 325 रुपीज पर के जी, फीमेल गोट 400 रुपीज पर के जी। देन जमुनापारी जो गोट है ये मिल्क के लिए बहुत ज्यादा होती है, यूज होती है क्योंकि उसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है सभी गोट के मामले में। और ये यूपी ब्रीडिंग इज फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश, एंड इसका एक डिसएडवांटेज है दोस्तों यहाँ पे कि एक साल में एक ही बार उसका ब्रीडिंग होता है, और उसमें भी ट्विन्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसका रेट है अभी 300 रुपीज फॉर मेल एंड 400 रुपीज पर केजी फॉर फीमेल। देन बीटल, ये गोट एक्चुअली पंजाब हरियाणा से बिलोंग करती है, इस वहां पे पाई जाती है, और ये भी एज जमुनापारी की जैसी मिल्क के लिए ज्यादातर यूजफुल है। और इसका ब्रीडिंग भी ब्रीडिंग सिंगल के चांसेस है, और ट्विन्स के 55% है। तो इसका रेट है 200 रुपीज पर केजी फॉर फीमेल एंड 250 रुपीज पर केजी फॉर सॉरी 200 पर केजी फॉर मेल एंड 250 फॉर फीमेल। एंड अफ्रीकन बोर दोस्तों, इसका भी बहुत मार्केट में डिमांड है क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि मेरे को अफ्रीकन बोर या बोर गोट ही चाहिए, क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है, और उसका मीट के लिए बहुत ज्यादा यूज है, और हाई ट्विनिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा इसका है। और आप उसके रेट देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि अगर 50% बोर ब्रीडिंग है, 50% बोर मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आप कोई उस्मानाबादी फीमेल गोट है, यार हम एक एग्जाम्पल देंगे, कोई उस्मानाबादी फीमेल गोट है
और एक बोर का मेल गोट है, तो आप जिसका जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है तो दैट इज 50% बोर। फिर उस अगर वो फीमेल किड पैदा होता है उसको अगर फिर बोर के साथ क्रॉस ब्रीडिंग होता है तो 75%, उसका अगर फिर बोर के साथ क्रॉस ब्रीडिंग होता है तो 87.5%, और उसका अगर और एक बार क्रॉस ब्रीडिंग मिक्स्ड किड का होता है तो 100%। तो इसका रेट अलग है, 50% के लिए मेल का 350 रुपीज से लेके 1500 रुपीज तक पर केजी है, और फीमेल का 700 से लेकर 3500 रुपीज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेरे को एक गोट लेनी है अफ्रीकन बोर या इंडियन बोर की, तो अगर मैं 3500 रुपीज पर केजी है और एक गोट का मिनिमम कम से कम वजन जो है वेट है वो 25 केजी के आसपास रहता है, तो आपको अराउंड देख सकते हो कि मिनिमम 40,000 रुपीज यू हैव टू पे टू बाय वन बोर गोट। देन अगर गोट हाउसिंग मैनेजमेंट, ये तो हुई बात पहले कि आप कौन कौन से गोट ले सकते हैं। अगर गोट आपको गोट फार्म बनाना है तो गोट हाउसिंग के लिए आपको जो शेड बनाते हैं उसमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो शेड है ऑल द टाइम ड्राई एंड प्रॉपरली रेज ग्राउंड, और जो शेड का हाइट कम से कम 10 फीट का होना चाहिए क्योंकि वहां पे वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड एक शेड में एक गुंडे का आप बना रहे हो तो उसमें आप 60 गोट्स ही ज्यादातर रखे, और वहां पे प्रॉपर शेड प्रोवाइड प्रॉपर शेड एंड कूल ड्रिंकिंग वाटर इन समर एंड डिस्पोज ऑफ डंग एंड यूरिन प्रॉपरली। जो भी आपका यूरिन है गोट्स का उसको आपको डिस्पोज करना है प्रॉपरली, एंड गिव एडिक्वेट स्पेस टू द एनिमल एंड अवॉइड स्टॉकिंग एंड क्राउडिंग। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा एक शेड के अंदर ज्यादा नहीं रखने। देन सबसे बड़ी बढ़िया चीज जो रहती है या सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है गोट फार्मिंग रहती है वैक्सीनेशन। दोस्तों अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गोट की डेड हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप जब भी परचेस करते हो उस समय आपको सबसे पहले PPR जो सेकेंड वो देने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि जब भी परचेस करते हो तो पहले महीने में बहुत ज्यादा डेंजर जोन रहता है, और उस ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ मोस्ट ऑफ द गोट्स विल डाइड, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू गिव द PPR लस। देन सेकेंड इज फुट एंड माउथ डिसीज, वो भी आपको कंटिन्यूसली देना पड़ता है। दिस फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ FMD इज एट 3 to 4 month एज, देन द बूस्टर वैक्सीनेशन आफ्टर 4 months, और एवरी 6 months आप हर एक 6 महीने बाद आपको ए डिसीज का वैक्सीनेशन करना पड़ता है। देन ए गोट फॉक्स, ए वायरल डिसीज है, इसका भी आप आफ्टर 3 weeks ऑफ फर्स्ट वैक्सीनेशन उसको दे सकते हो, और एक साल में एक बार उसको वैक्सीनेशन करना है। उसके बाद एंथ्रेक्स एंड HS ए भी है, बैक्टीरियल डिसीजेस है, तो उसको भी आपको खत्म करने के लिए 4 या 6 महीने में रिपीट उसको एनुअली या 6 महीने बाद आप उसको रिपीट कर सकते हो। तो ये सब सारे वैक्सीनेशन से वो बहुत रिक्वायर्ड है, अदरवाइज वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पे जो भी गोट्स है फीमेल या मेल गोट्स है उनकी डेथ हो सकती है। तो रेगुलरली आपके जो भी डॉक्टर है जो भी उनसे जो भी डॉक्टर से तो उनसे आप सलाह मसला ले और वैक्सीनेशन कर ले। नाउ विल सी केस स्टडी फॉर उस्मानाबादी गोट। सो सपोज आई वांट टू बाय सपोज 50 डोज एंड 2 बक्स। द बेसिकली दोस्तों डोज मीन्स फीमेल गोट एंड द बक्स मीन्स मेल गोट। मेरे को अगर 50 फीमेल गोट्स और 2 मेल गोट्स का गोट फार्म का स्टार्ट करना है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट कितना है, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले मेरा यहाँ पे एक अजम्पशन है दोस्तों कि ऑलरेडी यू आर हैविंग सफिशियंट लैंड फॉर गोट फार्म प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि आपको गोट फार्म का नया लैंड परचेस करना नहीं है, आपके पास वो ऑलरेडी है और आप उसके ऊपर बनाना चाहते हो, तो उसका जो कॉस्ट है इसमें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बाकी का जो भी कॉस्ट है वो ऐड किया है। सबसे पहले तो देखते हैं गोट परचेस कॉस्ट। जब भी आप गोट परचेस कर रहे हो तो उसका कॉस्ट कितना था है? सबसे पहले जो फीमेल गोट है वो 25 केजी के अप्रोक्सीमेट उसका वेट रहता है और 300 रुपीज जैसे कि मैंने बोला था उस्मानाबादी गोट का, तो एक गोट का आपका प्राइस रहेगा 7500। और मेल गोट जो है 30 केजी के आसपास रहेगा, 250 रुपीज पर केजी से 7500 उसका भी प्राइस जाएगा।
So for 50 female goats, 3,75,000 you have to pay, and for 2 male goats, 15,000. So total cost for that one, you need 50 plus 2, that is 3,90,000 rupees. तो 3,90,000 रुपए आप यहाँ पे करना पड़ेगा जस्ट फॉर द परचेस ऑफ गोट. देन सेकेंड है उसके बाद हाउसिंग फॉर गोट्स. जब आपको आपको 52 गोट्स लेना है, 50 प्लस 2 का गोट फार्म बनाना है, तो 50 गोट्स के लिए आपको मिनिमम 1000 प्लस 4, और आपको यहाँ पे दिस इज 20 स्क्वायर फीट फॉर वन गोट्स. सो 50 × 20 1000 स्क्वायर फीट, 2 × 20 40 स्क्वायर फीट. और जब भी आपके किड्स वहां पे पैदा होंगे उसके लिए आपको जगह रखनी है, तो 5 स्क्वायर फीट पर किड. सो 100 किड्स की जगह रखनी है, तो 500 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा एरिया आपको बनाना पड़ेगा. तो टोटल स्क्वायर फीट एरिया रहेगा 1540. एंड सपोज मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि एक स्क्वायर फीट का आपको 100 रुपीज खर्चा आता है, तो वो जो 50 प्लस 2 प्लस जो पैक किड्स का आपका जो भी हाउसिंग है, तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, दैट इज 1,54,000. ओके, वो भी खर्चा आपको ऐड करना है. देन कैश फ्लो, यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी या वाटर और जो भी अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वो मैंने यहाँ पे पर मंथ 200 to 250 रुपीज रखा है, तो 2500 पर एनम. देन तो आपका जो भी लैंड है 1 एकर का, उसका जो फोडर कल्टिवेशन का कॉस्ट है यहाँ पे एक सीजन का 12,500. एंड सप्लीमेंट्री फीड, मतलब जब भी आपके किड्स पैदा होंगे या फिर आपको वेट बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्री फूड्स उनको आप देंगे, उसका जो कॉस्ट है पर ईयर 20,000 रुपीज. और सबसे जरूरत चीज है, आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ गोट की डेथ होती है तो आपको उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी से वापस मिल सकते हैं. अभी जो इंश्योरेंस का रेट चल रहा है वो 5% ऑफ परचेस ऑफ गोट, कॉस्ट ऑफ गोट. मतलब मैंने जो गोट का कॉस्ट किया था 3,90,000, उसका 5%, दैट इज 19,500 रुपीज इज माई इंश्योरेंस कॉस्ट. एंड उसके साथ आपको एक पर गोट का 25 रुपीज चार्जेस के हिसाब से 1300 रुपीज पर ईयर का आपको देना पड़ेगा मेडिकल चार्जेस. देन लेबर चार्जेस, अगर फॉर 50 प्लस 2 के लिए आपको 2 लेबर लगेंगे, और पर हेड मैं सपोज 5,000 रुपीज कंसिडर करता हूँ पर मंथ. सो 12 मंथ्स का 60,000 रुपीज पर पर्सन, 2 लोगों का मिला के 1,20,000. अदर चार्जेस, अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि आपको जो भी कटर्स है, चाप कटर या क्रॉस कटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि उसके उससे कट करके ही आपको जो भी फीड है या फूड है गोट को देना है, तो उसका कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 25,000. तो ये सबका जो कॉस्ट है, लाइक गोट परचेस, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, मेडिकल, वो मिला के जाता है 7,44,800. सो आपका जो भी पहले एक साल का कॉस्ट है, स्टार्ट फ्रॉम द परचेस ऑफ गोट टू फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ वन ईयर, वो है 7,44,800. और उसका अभी जो ये जो कॉस्ट है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी गोट्स आपने ली है अभी 50 प्लस 2 ली है, उसका ग्रोथ कैसे होता है. उसमें हम सबसे पहले एक मैं चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब भी आप गोट परचेस करना चाहते हो तो आप प्रेग्नेंट गोट ही परचेस करें. उसका फायदा है कि वो जब भी प्रेग्नेंट गोट परचेस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो ब्रीड कर सकती है. उसके बाद में दूसरा फायदा ये हो सकता है कि उसको परचेस करने के बाद 1 या 2 महीने में आपको उससे किड्स पैदा हो सकते हैं, तो 2 एडवांटेजेस उससे मिल सकते हैं. और मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि अब उस्मानाबादी गोट्स का ट्विनिंग एंड ट्रिपलिंग इज वेरी हाई और ब्रीडिंग इज वेरी हाई, बट यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि जो भी 50 गोट्स है उसमें से 25% को ट्विन्स पैदा होंगे, और 50% यानी 25 गोट्स को ट्विन्स होंगे, एंड 50% रिमेनिंग एंड 25 को सिंगल होंगे. तो टोटल 50 गोट्स को 6 महीने बाद मेरे को 75 मिलेंगे, और उसमें भी रेशियो रखा है बक्स एंड डोज, मीन्स फीमेल एंड मेल 50-50%. तो हम अभी देखेंगे, जब मैंने परचेस करता हूँ उस समय मेरे 50 गोट्स से फीमेल गोट्स किड कोई नहीं है, तो 2 मेल एंड 50 फीमेल, टोटल 52. 6 महीने बाद जो पहले 50 थे, 6 महीने बाद मेरे को 50% ट्विनिंग एंड 50% सिंगल के हिसाब से 75 किड्स हुए. उसमें से 75 में से 50-50% रेशियो फॉर मेल एंड फीमेल, सो 37 मेल एंड दिस 50 प्लस दिस 38,
that is 88 total and total count is 125. After 6, उसके 6 महीने बाद और एक बार ब्रीडिंग होगा, तो वहां पे भी सेम रेशियो मैंने रखा है, तो वहां पे ये जो है ये अभी तक मैच्योर नहीं हुए है, उसमें से 38 थे वो, तो 50 ही मैच्योर है, तो उनको ही सिर्फ पैदा होंगे, तो 75 देन 75 मेल होंगे एंड 125 फीमेल, सो टोटल काउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 200. और आप फर्स्ट ईयर के बाद 8 महीने के बाद जो भी किड है वो 8 महीने से 12 महीने के ऊपर होता है तो आप उसको सेल कर सकते हो. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर वन कैन स्टार्ट टू सेल मेल एंड फीमेल गोस्ट एंड अर्न प्रॉफिट. उसका भी जो आप सेल करोगे तो उसी सेम हिसाब से आप सेल कर सकते हो जैसे आपने बाय किया था कि 300 या 200 या 250 या 300 रुपीज पर केजी से आप उसको सेल कर सकते हो. और इस तरह से आपको अपना गोट फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है. थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. प्लीज सब्सक्राइब मी इफ यू लाइक माई वीडियोज. आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज रिलेटेड टू